बाबा माँ की कृपा से मैं नहीं मेरे परिवार सब ठीक हुआ है गुरु जी। बिल्कुल बेटा, बस जो दरबार ने बताया नियम उतना पालन करते, जहाँ शिवलिंग है जी वहाँ पर औरा एकदम हमेशा पॉजिटिव रहेगा जी, ठीक है, वहाँ कुछ गंदगी आएगी नहीं, मन में गंदगी नहीं है जी जी, तो वहाँ गंदगी नहीं आएगी। खुश है, आप बताओ। मेरा नाम दीप नारायण सहानी। आप बताओ, आप कोई कष्ट बचा आपको? कष्ट कुछ भी बचा नहीं है, इसके लिए दरबार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरबार के नियम पालन करते आपकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से मैं नहीं मेरे परिवार सब ठीक हुआ है गुरु जी। बिल्कुल बेटा, बस जो दरबार ने बताया नियम उतना पालन करते जी, जहाँ बली वली होती उन स्थानों से दूर रहना है। नहीं हम ठीक, उतना ही बचना है आपको जी, क्योंकि नेपाल में बहुत होता है। बहुत होता है गुरुजी, उस स्थान पे हम जाते भी नहीं हैं। अच्छा किया। अच्छा, गांव घर में जो शिवलिंग बनाए हुए हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं? हाँ खूब, वहाँ जा सकते हैं। और संतान के रूप में गुरुजी, जहाँ शिवलिंग है जी वहाँ पर औरा एकदम हमेशा पॉजिटिव रहेगा जी, ठीक है, वहाँ कुछ गंदगी आएगी नहीं इस तरह की। और अगर आपके मन में गंदगी नहीं है जी जी, तो वहाँ गंदगी नहीं आएगी। संतान के रूप में मेरे एक बच्ची है और दूसरा बच्चा गर्भ रुका था तो मिसकैरेज हो गया 3 महीने के बाद। लड़की की मेरा उम्र 17 साल हो गया, तब से कोई गर्भ रुका नहीं है गुरुजी। थोड़ा परिवार भी आए हैं उनके ऊपर कृपा कर देते हैं तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक संतान प्राप्ति हो। लड़का चाहते हैं? आंखें बंद कर देखें, संतान योग देखें है कि नहीं। आँख खोलिए, संतान योग है लेकिन IVF से होगा, अब नेचुरल नहीं होगा जी, डैमेज हो चुका है काफ़ी। इसके मतलब हमको आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा? हाँ जी, IVF कराना होगा, IVF से लेकिन होगा। थैंक यू गुरु जी, खुश हो, लेपन करिएगा।